बनाने वाले एक्टर राहुल रॉय एक बार फिर से चर्चाओं में हैं और खबरों में इसलिए हैं क्योंकि अब वो एक्टिंग के बाद सियासत के चोले में रंग गए हैं। राहुल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री विजय गोयल की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थामा है। पार्टी में शामिल होने के बाद राहुल रॉय ने खुशी जताते हुए कहा कि आज का दिन मेरे लिए काफी खास है, क्योंकि जिस प्रकार मोदी जी और शाह जी देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, उससे मैं काफी प्रभावित हूं। तो वहीं राहुल के बीजेपी में शामिल होने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया है। एक यूजर ने राहुल राय के बीजेपी में शामिल होने पर मजाक उड़ाते हुए लिखा है कि कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में कुछ नहीं किया, इसलिए मेरी फिल्में फ्लॉप हुई। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि राहुल रॉय, मैं बीजेपी में इसलिए शामिल हुआ हूं क्योंकि मैं एक्टिंग के महान लोग स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की तरह बनना चाहता हूं। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश से बेरोजगारी कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी बीच एक और यूजर ने लिखा है कि राहुल रॉय के बाद उदय चोपड़ा, अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल और तुषार कपूर जैसे बेरोजगार लोग भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।